गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मैं आज जल्दी ही उठ गया हूँ। तो आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। तो दोस्तों, आज की प्यारी सी सुबह की शुरुआत करते हैं। और आज मैं जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मुझे गांव जाना है कुछ ज़रूरी काम से। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछले ब्लॉग में। तो दोस्तों, उठ के और मैं नहा धो लिया हूँ, फ्रेश फ्रेश हो लिया हूँ और उसके बाद मैं अब चलने की तैयारी करते हैं क्योंकि सुबह जल्दी ही कोई बस लगेगी तो बस से जाएंगे, नहीं तो ट्रेन से जाएंगे। यहाँ से स्टेशन करीबन 5-6 किलोमीटर दूर है तो जल्दी ही यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से बैग पैक कर लिया है और अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हाँ, तो दोस्तों स्टेशन पहुँच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है लोगों की, तो अब यहाँ से ट्रेन में सफ़र करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं सवाई माधोपुर के लिए, वहाँ पर हमारा गाँव है और यहाँ से शायद टिकट विकेट होगा तो देखेंगे, क्योंकि जनरल के लिए शायद अलाउ नहीं है, अभी तक लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से। तो दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। टिकट के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है और मैं लग रहा हूँ लाइन में। तो दोस्तों, टिकट ले लेते हैं, वैसे टाइम हो गया ट्रेन के आने का और थोड़ी देर बाद में ट्रेन में चढ़ेंगे। तो क्या पता हो सके तो बिना टिकट ही जाना पड़ सकता है आज। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। दोस्तों, आखिरकार टिकट मिल गई है और अब इस बात की तो खुशी है कि बिना टिकट नहीं जाना पड़ेगा और अब ट्रेन आने वाली है लगभग 6:30 बजे की समथिंग, 6:31 का टाइम है। और हो गया तो काय भागा, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ट्रेन में चढ़ेंगे। दोस्तों, ट्रेन में चढ़ गए हैं और ट्रेन रवाना हो गई है तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे माधोपुर। लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा मतलब यहाँ से। तो मिलते हैं सवाई माधोपुर पहुँच कर। चौथ का बरवाड़ा पहुंच गई है ट्रेन और अब लास्ट स्टॉपेज है सवाई माधोपुर के लिए, तो लगभग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे वहां। चौथ माता का भव्य मंदिर है वहाँ, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हैं सवाई माधोपुर स्टेशन पर, अब उतरने ही वाले हैं और ये ट्रेन रुकने को तैयार है। ये लो, स्टॉप हो चुकी है ट्रेन, तो उतर जाते हैं और तो प्लेटफॉर्म पर उतर चुके हैं और अब यहाँ से गांव के लिए रवाना होंगे। कोई ट्रेन होगी तो देखेंगे, तो थोड़ी देर स्टेशन पे ही हम वेट करेंगे, उसके बाद कोई ट्रेन आएगी तो ट्रेन में चलेंगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ की फेमस जगह है सवाई माधोपुर की, और यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर भी है गढ़ गणेश जी रणथंभौर में ही। तो दोस्तों,
यहाँ पे थोड़ी देर घूमने के बाद में फिर ट्रेन का पता करेंगे और फिर गांव चलेंगे। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो दोस्तों यहाँ से कोई अभी ट्रेन नहीं है हाल फिलहाल, तो करीबन 1 बजे ट्रेन मिलेगी, और जो सुबह की ट्रेन थी 9:30 बजे की समथिंग की, वो कैंसिल हो चुकी है। तो दोस्तों अब 1 बजे तक का इंतज़ार करेंगे या फिर बस से चलेंगे। तो अभी तो हाल फिलहाल एक नंबर प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और वहाँ से कुछ खाने पाने का जुगाड़ करते हैं। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। हाँ तो दोस्तों बैग में एक एप्पल पड़ा है जो खा लेते हैं पहले, तो थोड़ी बहुत भूख शांत हो जाएगी और उसके बाद में फिर कुछ खा लेंगे चटपटा। यहाँ से कुछ मिलेगा पैटीज वेटीज या फिर कोई पकौड़े वकौड़े, तो उसके बाद में फिर उसके बाद में देखेंगे या तो बस में, क्योंकि अभी करीब करीब 9 बज रहे हैं और गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो बस से भी जा सकते हैं, अभी प्लान नहीं है। खैर अगर मूड बन गया तो बस से भी जा सकते हैं, वैसे ट्रेन क्यों है, क्योंकि ट्रेन जो है 1 बजे के समथिंग है, तो हो सकता है बस से ही जाएं। वेट करते हैं, विचार करने के बाद में फिर चलेंगे, बाद में उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ चलना है। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद, जब तक पेट पूजा कर लेते हैं। पोहे मिल गए हैं तो पोहे खा लेता हूँ थोड़े से। हाँ तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता वास्ता करके आया हूँ, पोहे लिए थे और एक सेब खा लिया, तो पेट पूजा तो हो चुकी है और अब करीबन 1 बजे की ट्रेन है, तो ट्रेन से ही जाने का विचार है। दोस्तों एक बार फिर थोड़ी सी दुविधा में हूँ, क्योंकि गांव से भी फ़ोन आया है कि अगर बस मिल जाए तो बस में ही आ जाओ, क्योंकि 1 बजे तक काफ़ी लंबा टाइम होता है, वेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से फिर से मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, हो सकेगा तो कोई बस मिल जाएगी तो उसमें चलेंगे। तो दोस्तों करते हैं ट्राई बस के लिए और फिर बस स्टैंड से पूछताछ करके आते हैं, अगर कोई बस जाएगी तो उसमें सफ़र करेंगे। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। हाँ तो दोस्तों फाइनली बस मिल गई है यहाँ से गांव के लिए, मतलब सीधे गांव तो नहीं जाएगी, फलोदी नामक एक गांव है, मतलब फलोदी नामक शहर है, वहाँ पर जाएगी, फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर समथिंग गाँव है। तो इसी बस में हम जाने वाले हैं जो पीछे आप देख पा रहे होंगे, तो इस बस में बैठ के और चलेंगे गांव। ये 10 बजे स्टार्ट होगी यहाँ से और अभी जो है 9:45 बज रहे हैं, तो 15 मिनट बाद में स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों पहुँचते हैं गांव, फिर वहां का नज़र आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं गांव पहुंचकर। दोस्तों उतर गए हैं बस से और अब यहाँ से कोई साधन मिलेगा तो चलेंगे, नहीं तो लिफ्ट मांग के चलेंगे, कैसे भी करके यहाँ से गांव चलते हैं। तो इंतज़ार करते हैं किसी का, क्योंकि साधन मिलता नहीं है यहाँ पे, तो चलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों चलते चलते काफ़ी दूर पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तक कोई साधन नहीं मिला है यहाँ से गांव के लिए, और एक भाई मिल गया था, उसके साथ में बातें करते करते थोड़ा टाइम पास हो गया, तो काफ़ी दूर आ गए हैं वैसे, और करीबन 1 किलोमीटर और दूर है, तो चलते हैं, और मेरे साथ चलने वाला अब कोई नहीं है। वैसे तो साधन आ रहे जा रहे हैं पर कोई गाड़ी खाली नहीं है, इस वजह से लिफ्ट नहीं ले पा रहे हैं। बाकी अगर कोई मिल जाएगा साथी जो गांव जाने वाला होगा तो उससे मदद मांग लेंगे और घर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है थोड़ा सा पानी का बहाव हो रहा है, आप देख सकते हैं ये कोई पहाड़ों में से आ रहा है पानी। बारिश का पानी जो अभी तक बहाव इसका स्टार्ट हो रखा है, और इधर पहाड़ है बड़े बड़े, आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम हरे भरे खेत और खलियान, और ये गांव के नज़ारे, चारों तरफ पशु पक्षियों की चहचहाटें
और एकदम शांत इलाके, यहाँ पे एकदम मन में शांति है। पास ही में एक मंदिर है यहाँ का फेमस, जिसे बलखंडी बालाजी के नाम से जानते हैं, तो उसी के पास में से हम गुजरेंगे। लगता है कोई साधन आ रहा है, लिफ्ट मांगते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हैं गांव और अब चलते हैं घर। यहाँ की गलियाँ, सड़कें और साधन मिल गया था इसलिए जल्दी पहुंच गए हैं। कोई बाइक वाला था तो अपने गांव में तो सब साथी मदद करने वाले होते हैं, तो पहुंच गए और अब घर पहुंचने वाले हैं। घर पे तो लेकिन लॉक लगा हुआ है, घर लॉक्ड है, ताला लगा हुआ है, कहीं गए हुए हैं तो दोस्तों किसी से पूछते हैं कहाँ गए हैं, फिर रुकेंगे यहीं। हाँ तो दोस्तों घर पहुँच गए हैं और ये मेरी दादी। तो दोस्तों थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और खाना वाना तो खा लिया है। हाँ तो दोस्तों थोड़ी देर आराम करने के बाद अब मैं आ गया हूँ पहाड़ी पर, जो पास की गांव की है। ये देखो यहाँ से पूरा गांव एकदम साफ साफ दिखाई देता है। ये देखो गोलू जी, इनसे तो आप पहले ही मिल चुके होंगे। और ये देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। माई विलेज, दिस इज़ माई विलेज, माई विलेज बालापुरा, आमली स्टेशन बालापुरा। ये हमारा गांव, एकदम सुंदर दृश्य है गांव का, शांत प्रिय। सामने रेल की पटरी दिखा रही है, देरी होगी आपको। हाँ दिखाई दे रही है यहाँ से। और इधर पास में है एक तालाब जिसके अंदर पानी भरा है बारिश का। क्या सुंदर दृश्य है भाई, मज़ा आ गया, एकदम शांत, मन को शांति मिल जाती है गांव में आके, बहुत ही बढ़िया भाई। जहाँ पे देखो हरियाली हरियाली नज़र आती है, और यहाँ थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो मन को शांति मिलेगी। और यहाँ पे छोटी छोटी बेर की झाड़ियाँ हैं जिन पे लगभग दिवाली के आसपास जो है बहुत सारे बेर आने की संभावना है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है भाई यहाँ का, मज़ा आ गया भाई। और यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ भी चल रही हैं जिनको चराने आए हुए हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखो झाड़ियों में मुझे क्या मिले हैं, बहुत ही शानदार मीठे मीठे बेर मिले हैं। इक्के दुक्के थोड़े से लाल लाल हो गए हैं, खा के देख लेते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। वाह भाई मज़ा आ गया, मीठे मीठे बेर आ रहे हैं भाई। बहुत ढूंढने के बाद में और एक झाड़ी में मिले हैं भाई। चले गोलू घर, अब चलते हैं घर। चलो भाई चलो, मैं फंस गया यार, अरे मैं तो झाड़ी में फंस गया यार, ओह माय गॉड, अरे रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझे तो, ओह माय गॉड फिर वहाँ से गिलो मिल जाओ तो मैं गिलो बन।
चलो भाई। अरे बकरी की तरह निकल के आ रहा हूँ मैं भी। अब चलो भाई निकल गए कैसे तैसे करके। चल भाई चल बकरी आगे सेट हो, मुझे भी चलने दो, तेरे पीछे पीछे ही चल रहा हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों खाना खा लेते हैं, शाम हो चुकी है और फिर खाना खा के मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं और गांव में सभी लोग जल्दी सो जाते हैं, तो खा पी के और थोड़ी देर बाद सब सो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइज, मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में।